दोस्तों, अगर सुबह सुबह नाश्ते में रोटी सब्जी बनाने का मन न करे और कुछ हेल्दी और टेस्टी खाने की इच्छा हो तो बस इस नाश्ते को एक बार जरूर ट्राई करें। घर के सामान से ही बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी ये नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है, पोहा या चूड़ा जो भी आप कहें, और इसका एक हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 2 कप मैंने यहाँ पर सूजी लिया है। 1 कप पोहे के साथ 2 कप सूजी लेंगे, यानी कि अगर आप 1 कप सूजी है तो 1/2 कप पोहे का इस्तेमाल करें और मेज़रमेंट बिल्कुल बराबर रखें। और इसमें 2 कप मैंने पानी का इस्तेमाल किया है और बिल्कुल एक थिक हम लोग बैटर तैयार करेंगे। अभी इसमें पानी बस 2 ही कप डालना है और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। ये देखिए, 10 मिनट के बाद हमारा सूजी पानी के साथ फूल गया है। अब इसमें पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, टमाटर डालेंगे। इसके साथ साथ हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार और धनिया पत्ता कटा हुआ इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और इसे चटपटा बनाने के लिए पिसी हुई काली मिर्च 1 चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, पिसा हुआ जीरा 1 चम्मच और 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला डालेंगे और बिल्कुल चुटकी भर हम लोग पिंच ऑफ हल्दी पाउडर डालेंगे जिससे इसमें हल्का सा कलर आ जाए। अब इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे और इसका बिल्कुल पतला हम लोगों को बैटर नहीं तैयार करना है। सारी चीज़ों को एक साथ मिला करके और इसे हम लोग इसे मैश कर लेंगे। यहाँ पर सब्जियाँ, अगर और भी कुछ आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पत्ता गोभी का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। अब एक नॉन स्टिक का पैन लेंगे और उसके ऊपर हल्का हल्का तेल ग्रीस कर लेंगे और इसे छोटे से चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा बैटर को उठा करके हम लोग यहाँ पर एक पैनकेक की तरह बना लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जो है बैटर लिया है और इसके छोटे छोटे हम लोग पूड़ी के आकार नाश्ते को बनाएंगे। ये नाश्ता बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी, इतना टेस्टी होता है कि बच्चों के अगर आप टिफ़िन में भी देंगे तो बच्चे भी अपने टिफ़िन को ख़त्म करके आएंगे। और देखिए, बिल्कुल एक तरफ से थोड़ा सा सेट हो गया है तो मैंने इसे पलट दिया है और फिर ढक करके मीडियम आंच पर, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक हम लोग इस नाश्ते को सेक लेंगे। और इसके अंदर जो पत्ता गोभी और गाजर का फ्लेवर इतना टेस्टी आता है और क्रिस्पी ये नाश्ता बनता है। तो इस तरह से देखिए, मैंने इन सारे नाश्तों को बिल्कुल अलट पलट करके कुरकुरा होने तक इसे बिल्कुल मीडियम आंच पर सेक लिया है और इसमें जो है तेल का इस्तेमाल भी बहुत कम होता है। तो इस तरह से हमारा ये हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार है। पत्ता गोभी से सब्जियां या पराठे आप लोगों ने बहुत बार बनाए हों, एक बार इस नाश्ते को बना करके देखिए, खाने में इतना डिलीशियस होता है और हेल्दी, और बनने में भी बिल्कुल झटपट से बन करके तैयार हो जाता है। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में या कहीं आप सफ़र में भी जा रहे हैं तो इसे स्नैक्स के रूप में आप ले जा सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस नाश्ते को बनाइए, खाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए